नमस्कार मेरे महारथियों, स्वागत है आप सभी का IBPS एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर सुपर 30 बैच के इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में। सबसे पहले मैं इंडियन IQ प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंडियन IQ का IBPS AFO के लिए पिछली बार की अगर बात करें तो पिछली बार IBPS AFO के लिए हमारे जो बैचेस थे उनके नाम क्या क्या थे, नर्चर बैच था एक, दूसरा अचीवर्स बैच था और सुपर 30 बैच था, ये तीन बैच था। इस बार जो है इसमें थोड़े से चेंजेस किए गए हैं, सारे बैचेस को अपग्रेड किया गया है, सबके फीचर्स वगैरह उसमें कुछ और भी ऐड किए गए हैं, वो जैसे जैसे बैच इंट्रोड्यूस होगा सब आपको बता दिया जाएगा। नर्चर को अब हम नर्चर प्लस के नाम से जानेंगे, अचीवर्स बैच रहेगा ही, इसके साथ साथ लीडर बैच भी आएगा और लीडर बैच के अलावा एक एकलव्या बैच भी चलेगा। ये सारे IBPS AFO के लिए ही बैचेज होंगे, सबके अलग अलग फीचर्स होंगे, हो सकता है कोई बैच कोई स्टूडेंट के लिए ये सूटेबल हो, किसी के लिए ये सूटेबल हो, तो अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग बैचेज रहेंगे। अब यहाँ पर जो IBPS AFO की सुपर 30 बैच है इसके बारे में मैं बता दूँ कि ये जितने भी बैच रहेंगे उन सब का फीचर नर्चर प्लस में रहेगा। यानी नर्चर प्लस एक ऐसा बैच होगा जो कम्प्लीट बैच होगा, इसके अंदर सब कुछ रहेगा। आगे मैं सारी डिटेल आपको जानकारी दूंगा और इस बैच की कुछ फ़ीस होगी, मान लीजिए कि 2,500-3,000 रुपये कुछ भी फ़ीस होगी, ठीक है। उस बैच में आपका एडमिशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, यानी जो भी बच्चे IBPS AFO सुपर 30 स्कॉलरशिप टेस्ट को क्लियर कर लेते हैं उनका नर्चर प्लस बैच में एडमिशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, आपसे सिंगल कॉइन भी चार्ज नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था सुपर 30 बैच के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में विशेष जानकारी लेते हैं। सबसे पहला AFO सुपर 30 बैच का जो आउटकम है वो क्या है, 100% गारंटेड सिलेक्शन टिल IBPS, 100% गारंटेड सिलेक्शन इन IBPS SO AFO एग्ज़ाम। तो स्पेशलिस्ट ऑफिसर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर एग्ज़ाम में 100% सिलेक्शन की गारंटी दी जाएगी। क्यों गारंटी दी जा रही है, उसके पीछे रीज़न है, वो सारी अभी आगे के स्लाइड्स में आपके साथ चर्चा किया जाएगा। जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता है तब तक इस बैच की वैलिडिटी रहेगी, सिलेक्शन के दिन आपका बैच का वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कोई भी स्टूडेंट जो AFO एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है और इस बार के AFO एग्ज़ाम को टारगेट कर रहा है वो सब इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इस कोर्स की कोई फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी, जो भी फीस रहेगा वो बिल्कुल डिस्काउंटेड फॉर्म में आपको मिलेगा, एक रुपए भी आपको नहीं देना पड़ेगा। शुरू से लास्ट तक, प्रीलिम्स से लेकर इंटरव्यू तक का सारा कोर्स, सब कुछ आपको जीरो फीस में ही रहेगा। स्कॉलरशिप टेस्ट की जो फीस है वो पिछली बार की तरह ही 99 ही रखी गई है, इसको बिल्कुल भी नहीं बढ़ाया गया है। पिछली बार भी 100 रुपीज़ था स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की फीस और इस बार भी 100 रुपीज़ रखा गया है। दो बातें हैं, इस स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए अगर आप रजिस्टर करते हैं और इसमें आप क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपका सुपर 30 बैच में इनरोलमेंट होगा, यानी कि नर्चर प्लस बैच के सारे फीचर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि आपका सिलेक्शन नहीं होता है किसी वजह से, तो AFO नर्चर प्लस बैच में इनरोलमेंट के लिए आपको एक्सक्लूसिव डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा पिछले बार की तरह। मतलब कि AFO नर्चर बैच के लिए जो भी फीस होगा उसमें आपके लिए बिल्कुल अलग फीस रहेगा, इन केस अगर आप इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर पाए तो दोनों तरफ से ही आपके लिए फ़ायदा है। अब आगे चलते हैं, सबसे पहले सुपर 30 बैच के इस कोर्स का फीचर जान लेते हैं कि इसमें होगा क्या। बेसिकली हमारा जो AFO नर्चर प्लस बैच रहेगा, मैंने आपको बताया इसमें आपको फ्री एडमिशन मिलेगा और आपकी वैलिडिटी टिल सिलेक्शन आपके साथ रहेगी। कहने का मतलब है कि एक पैसे किसी भी स्टेज पे आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्लियर हो गया। दूसरा, प्रीलिम्स और मेंस के लिए कंप्लीट आपको वीडियो लेक्चर इस बैच के अंदर मिलेगा, जिसमें कि रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, कोर एग्रीकल्चर के सभी सब्जेक्ट, अलाइड साइंस के सभी सब्जेक्ट, करेंट अफेयर्स और मिसलिनियस जितने भी पोर्शन होते हैं वो सारे कवर्ड रहेंगे। इसके अलावा इंटरव्यू की भी कंप्लीट सेट ऑफ लेक्चर्स आपको प्रोवाइड की जाएगी और साथ ही जब आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो जाएगा और इंटरव्यू में जाने से पहले आपको 2 पर्सनल मॉक इंटरव्यू प्रोवाइड किया जाएगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा हर टॉपिक के आपको क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फ्री ईबुक्स आपको दिए जाएंगे जिसमें Volume 1 और Volume 2 बुक होगा कोर एग्रीकल्चर का और Volume 1 और Volume 2 बुक होगा अलाइड साइंस का। अच्छा, ये जितने भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीलिम्स के लेक्चर, मेंस के लेक्चर, क्लास नोट्स, ईबुक, टेस्ट सीरीज, इन सब का जो है एक एक डेमो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा, वहाँ पे सबका डेमो लिंक होगा, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं हमारे कंटेंट की क्वालिटी वगैरह सब कुछ, ठीक है। इसके अलावा हमारा जब नाबार्ड का ARD का मटेरियल रिलीज होगा तो वो भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है इस कोर्स का, वो है टारगेट बेस्ड टेस्ट सीरीज़ प्रीलिम्स और मेंस के लिए।
इसमें क्या होता है कि मेंस के जितने भी टॉपिक हैं, जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में आते हैं, उन सबको हमने छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड कर रखा है, ठीक है। और ये डेली बेसिस पे आपको टारगेट्स दिए जाते हैं, ये आपको कंप्लीट करना होता है और उसके बाद जो है आपको टेस्ट में अपीयर करना होता है। ए टू जेड जितने भी टॉपिक आपके सिलेबस में हैं वो सभी आपके टारगेट का हिस्सा होते हैं, आपको वो टारगेट कंप्लीट करना, डेली बेसिस पे टेस्ट देना है। तो इसमें कम से कम आपको 150 प्लस टेस्ट मिलेंगे, 100 प्लस क्विजेज आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको जो है 24/7, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि सुपर 30 में सेलेक्टेड स्टूडेंट्स को अलग ट्रीट किया जाता है दूसरे स्टूडेंट से। कैसे अलग ट्रीट किया जाता है? 24/7 आपको पर्सनल गाइडेंस और असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा प्रायोरिटी बेसिस पे, चाहे वो एजुकेशन से रिलेटेड हो, चाहे आपके पर्सनल इशू से रिलेटेड हो, टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या टारगेट कंप्लीशन से रिलेटेड हो, प्रायोरिटी बेसिस पे सुपर 30 बैच के सभी स्टूडेंट्स को गाइड किया जाता है। इसके अलावा आपके सभी परफॉर्मेंस पे, आप लेक्चर्स ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, आप टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है। अगर हमें लगता है कि कोई भी स्टूडेंट जो है सुपर 30 बैच का वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है, कोई टेस्ट अपीयर नहीं कर रहा है लगातार, फिर हम आपके ग्रुप में आपको डांट भी लगाते हैं, आपको बुलाते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, फ़ोन पे, चैट पे, हर तरह से आपसे डिस्कस किया जाता है कि क्या है, क्या रीज़न है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे हैं, क्या जॉब की वजह से या किसी और, आप मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, क्यों टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, ये सारा चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर आपका टाइम टेबल वगैरह डेवलप किया जाता है। इसका काफ़ी स्ट्रिक्ट इंप्लीमेंटेशन कराया जाता है इस बैच में। इसके अलावा टॉपर स्टॉक सेशन कराया जाता है जिसमें आप डायरेक्ट टॉपर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, यानी कि अभी कल रिजल्ट आने वाला है 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को जो भी बच्चे सेलेक्ट होकर अभी AFO बनेंगे उन सभी से उनको टाइम टाइम पर बुलाया जाएगा और आप उनसे डायरेक्टली इंटरेक्ट करेंगे। जैसे पिछली बार जो हमारा बैच चल रहा था तो उसमें उसके पिछले बार में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे उनको बुलाया जा रहा था और वो लोग आकर फिर हमारे बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे थे, उनको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे थे, वैसे ही इस बार जो बच्चे सेलेक्ट होंगे वो लोग अब आएंगे टॉपर स्टॉक में और उनसे आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा। इससे क्या होता है, प्रैक्टिकली चीज़ें आपको पता चलती है, आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें आप सुनते हैं या समझते हैं कहीं और से और डायरेक्टली उन लोगों से जो अभी अभी सक्सेस को प्राप्त किए हैं उनसे जानना, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसी वजह से यहाँ पर सिलेक्शन की गारंटी दी जाती है इस बैच में। अब इंडियन IQ इंस्टीट्यूट ही क्यों, कोई दूसरा क्यों नहीं? तो सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरीके का कंप्लीट कोर्स और जीरो फीस में मुझे नहीं लगता है कि शायद कोई और प्रोवाइड कर रहा होगा, तो सबसे पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा कि वी आर द इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग एग्रीकल्चर एग्जाम रिलेटेड इंस्टीट्यूट, जहाँ पर इस टाइम पर कई जगह पर आप देख रहे होंगे कि कोर्स के फीस को लगातार हाफ किया जा रहा है, जहाँ पर 12-15 हज़ार लिए जाते थे अब 6-7 हज़ार में कोर्स दिया जा रहा है, वहीं पर अब हम लोग कोर्स के फीस को डबल ट्रिपल तक कर रहे हैं, क्योंकि पिछली बार हमारे पास इतनी ज़्यादा भीड़ बढ़ गई हर कोर्स में कि हमारे लिए संभालना तक मुश्किल हो रहा था, बिकॉज हमारा फीस स्ट्रक्चर जो है कंटेंट की क्वालिटी के मुकाबले हमने बहुत कम रखा हुआ था, लेकिन अभी इतना ज़्यादा स्टूडेंट्स जो है संभालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, तो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत हम लोग सारे उसमें जो है कोर्स की फ़ीस बढ़ा रहे हैं। दूसरा कि हमारा जो है एग्ज़ाम रिलेवेंट कंटेंट होता है, जो लोग पहले से हमसे एसोसिएटेड हैं आप लोग जानते हैं, एक्चुअल एग्जाम लेवल मॉक टेस्ट हम लोग कंडक्ट कराते हैं, टॉपर स्टॉक सेशन वगैरह ये हमने ईजाद किया हुआ है, AFO का महामॉक हमने ईजाद किया हुआ है जो कि रेगुलर बेसिस पे कंडक्ट कराया जाता है आप लोगों के लिए, टारगेट बेस्ड सीरीज चलाना, ये सब चीज़ें भी हमने ईजाद किया हुआ है, काफ़ी बच्चे इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठाए हैं टारगेट बेस्ड, उससे क्या होता है ना एक फ्लो बन जाता है, एग्ज़ाम तक आप एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ भी पाते हैं रिवाइज भी कर पाते हैं। फाउंडर यानी कि मैं एग्रीकल्चर में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, मैंने खुद ही SSC फेज 7 AIR 1 हूँ, मैं नॉमिनेट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के लिए, इसके अलावा मैंने IBPS RRB AO एग्जाम क्लियर किया हुआ है और डिफरेंट IBPS क्लरिकल CGL या 12th लेवल वगैरह को अलग अलग स्टेजेस को मैंने एनालिसिस और रिव्यू वगैरह के लिए अपने फर्दर फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए देता रहता हूँ, और आप लोगों के साथ मैंने काफ़ी रिजल्ट्स वगैरह चैनल पर भी, टेलीग्राम पर, हर जगह शेयर भी किया हुआ है। हमने इसके अलावा IFCO AGT में, ADO एग्जाम में, IBPS AFO वगैरह में कई फाइनल सिलेक्शंस प्रोड्यूस किए हुए हैं, FCIG 3 टेक्निकल का एग्जाम चल रहा है, प्रीलिम्स में बम्पर रिजल्ट आया और बच्चे मेंस देकर आए हैं, उसमें भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट आएंगे, उसके भी आप लोगों के साथ रिजल्ट हर जगह शेयर करूंगा। कल AFO का भी रिजल्ट आने वाला है, जो हमारे इस बैच के स्टूडेंट्स हैं, कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो इंटरव्यू देकर आए हैं, उन सब का भी जब रिजल्ट आ जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लाखों स्टूडेंट को हमने चैनल पर मेंटर किया और हज़ारों को अलग अलग कोर्सेज में मेंटर किया, हमने कई बेस्ट सेलिंग बुक्स बनाए हैं जो कि रिलीज़ के साथ ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए, उनमें से है ब्रह्मास्त्र सीरीज़ हमने IBPS AFO अलाइड साइंस के लिए भी डेवलप किया है, और जल्दी ही हम लोग कोर एग्रीकल्चर के लिए भी ब्रह्मास्त्र बुक लेकर आ रहे हैं, ये अभी फिलहाल IBPS AFO नाबार्ड के स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। FCI टेक्निकल के लिए भी हमने ब्रह्मास्त्र बुक Paper 2 के लिए रिलीज़ किया था, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने उसको परचेज़ किया।
हमारा फोकस रहता है कि हम टू द पॉइंट स्मार्ट स्टडी कराएं। कोई भी एग्जाम का बैच स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको इन डेप्थ एग्जाम की एनालिसिस प्रोवाइड की जाती है, ताकि आप हर चीज पढ़ने लग जाए, आपको पता चले खुद ही कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। रिगरस प्रैक्टिस कराई जाती है, कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट रहता है, और डायरेक्ट लर्निंग मेथड हम लोग अपनाते हैं टॉपर्स के द्वारा भी। हमारे जो भी कंटेंट डेवलपमेंट टीम और SME हम लोग रिक्रूट करते हैं, तो उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमेशा रखते हैं कि उन्होंने कोई ना कोई एग्जाम क्लियर किया करके, नाबार्ड, AFO, AO एग्जाम। ये क्लियर करने वाले स्टूडेंट्स, मतलब जो एस्पिरेंट होते हैं, जो इसको क्लियर कर चुके होते हैं, एटलीस्ट मेंस लेवल तक क्लियर कर चुके होते हैं, वही हमारे कंटेंट डेवलपमेंट टीम में होते हैं। इसके अलावा हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइजर में सीनियर एजुकेशनल प्रैक्टिशनर तो हैं ही, खासी खास इसके अलावा भी कुछ न्यूली रिक्रूटेड यंग ऑफिसर्स हैं, जिनके नाम भी मैं आगे आपको स्लाइड्स में दिखाऊंगा। ये लोग हमारे एडवाइजर्स की टीम में है, काफ़ी टाइम पर ये लोग आकर और बहुत सारी चीज़ों में अपने जो इम्प्रूवमेंट के लिए जो अपने सजेशंस है, गाइडेंस है, वो प्रोवाइड करते रहते हैं। उसके अकॉर्डिंग हम लोग एवरी डे सीखते हैं और एवरी डे इम्प्रूव करते हैं। हमारे एडवाइजर में ये सारे लिस्ट हैं, आप एक बार पढ़ लीजिएगा। AFO है कई, नाबार्ड के असिस्टेंट मैनेजर हैं, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के DAO हैं, इसके अलावा कई AFO हैं, मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर में संजय गोठरेवाल जी हैं, साइंटिस्ट और प्रोफेसर AUUP के दुर्गेश त्रिपाठी सर, संगीता पांडे मैम, शालिनी शुक्ला जी, अजय मुदगल जी और सुखवीर जी, ये सभी हमारे बोर्ड ऑफ एडवाइज़र में इस टाइम पर हैं। हमारे जो इंस्पिरेशन है आपके सामने, आप सभी जानते हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। इन्होंने ही सुपर 30 बैच बेसिकली स्टार्ट किया था IIT JEE के लिए, श्री आनंद कुमार सर जी। ये जहाँ से बिलोंग करते हैं वहीं से मैं भी बिलोंग करता हूँ। काफ़ी टाइम से मैं भी ये सोचता था कि अगर कभी अपॉर्चुनिटी मिले तो इस टाइप का चीज़ मैं भी शुरू करूँगा। पिछली बार हमने शुरू किया सुपर 30 बैच, इसके बाद फिर से इस बार भी हम लोग आप लोगों के लिए सुपर 30 बैच लेकर आ रहे हैं। ये चीज़ें कंटिन्यू रहेगी हमेशा के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है इस स्कॉलरशिप टेस्ट से रिलेटेड, सबसे पहले ऑल ओवर इंडिया जो टोटल सीट है वो 30 है, 30 सीट्स हैं ऑल ओवर इंडिया, 30 बच्चे इसमें सेलेक्ट किए जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट है कि रजिस्ट्रेशन जो है वो आज से स्टार्ट हो रहा है, 31 मार्च 2023 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं। ऑनलाइन एग्जाम जो है वो आपका 16 अप्रैल 2023 को कंडक्ट कराया जाएगा, 16 अप्रैल को, जो कि संडे है, शाम के 7 बजे आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। रिजल्ट जो है वो 19 अप्रैल वेंसडे को पब्लिश कर दिया जाएगा, और क्लासेस जो है नर्सर बैच इंट्रोड्यूस होने के बाद आपकी क्लासेस लगाई जाएगी। स्कॉलरशिप टेस्ट का जो पैटर्न रहेगा उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन आपके सामने होंगे, 60 में से 30 क्वेश्चन एग्रीकल्चर अलाइड साइंस के होंगे और 30 क्वेश्चन जो है वो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश के होंगे। टोटल मार्क्स 60 होगा और 1/4 निगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% रहेगा। टॉप 30 स्टूडेंट्स फाइनली सेलेक्ट किए जाएंगे। टेस्ट की लेवल की बात करें तो बिल्कुल बेसिक और कॉन्सेप्चुअल रहेगा, बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल नहीं रहेगा। क्वांट में आपसे अर्थमेटिक नहीं पूछी जाएगी, रीजनिंग में आपसे पजल और सिटिंग अरेंजमेंट नहीं पूछा जाएगा, एग्रीकल्चर अलाइड साइंस में आपसे करंट अफेयर्स नहीं पूछे जाएंगे। टेस्ट का जो मीडियम रहेगा वो इंग्लिश मीडियम रहेगा। टेस्ट अपियर करने के लिए आपके पास स्मार्टफोन या टैबलेट या PC या लैपटॉप होना चाहिए गुड इंटरनेट कनेक्शन के साथ। इस टेस्ट के लिए आप उसी ईमेल आईडी से अपियर कर सकते हैं जिस ईमेल आईडी से अभी आप स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर करेंगे, तो जो ईमेल आईडी आप यहां डालेंगे उसको ध्यान में रखिएगा। अब है कि टेस्ट के लिए इनरोल कैसे करना है। इनरोल करने के लिए सबसे पहले डिस्क्रिप्शन चेक करिए, वहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन लिंक और बहुत सारे डेमो लिंक वगैरह मिलेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप सारे इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, उसके बाद जो भी डिटेल्स आपसे मांगा गया है उसको फिल कर लीजिएगा, ध्यान से फिल करिएगा, खास करके मेल आईडी और फ़ोन नंबर केयरफुली फिल करिएगा। इसके बाद आपको 99 रुपीज़ पे करना है और आपका रजिस्ट्रेशन डन हो जाएगा। जैसे ही रजिस्ट्रेशन हो गया इंस्टेंटली आपके मेल पे एक रिसिप्ट आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, और विद इन 24 आवर्स एक डिटेल्ड मेल आएगा, ठीक है। तो इस डिटेल मेल के लिए आपको 24 आवर्स तक का वेट करना है, उससे पहले बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इसके लिए क्या करना है, आपको अपना इनबॉक्स या इंपॉर्टेंट या स्पैम फोल्डर चेक कर लीजिएगा। 24 आवर्स के अंदर आपको एक डिटेल्ड मेल मिल जाएगा, इन्हीं तीनों में से किसी फोल्डर में आपके होगा। उस डिटेल मेल में जो भी कुछ लिखा होगा उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा बस, और एक ग्रुप का लिंक होगा वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको बस इतना ही करना है, वो मेल आ जाए, ग्रुप का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, बाकी सारी चीज़ टाइमली मैनर में आपको उस ग्रुप में हर डिटेल्स और नोटिफिकेशन भेज दी जाएगी। और किसी तरह की कोई इंक्वायरी के लिए आप हमें इस मेल आईडी पर मेल कर सकते हैं या इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक आप हमें इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि इस टेस्ट से रिलेटेड सभी जानकारी मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, और मिलते हैं आप लोगों से फिर सुपर 30 बैच में। ऑल द बेस्ट, मेहनत करिए, आपके पास 15 दिन के आसपास कम से कम टाइम है, इस टाइम को यूटिलाइज करिए। जो स्टैंडर्ड बुक्स है ना, जो स्टैंडर्ड बुक बेसिक बुक है उनको फॉलो करिए,
जो आप नॉर्मल स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के, उनको ही फॉलो करिए। चीज़ें उसमें से ही आएगी, कॉन्सेप्चुअल होगी, बहुत ज़्यादा कुछ भी एडवांस लेवल का नहीं होगा, बस आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेक किया जाएगा और कुछ नहीं। किसी तरह का कोई गाइडेंस, कोई डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं फिर आप लोगों से किसी अन्य सेशन में।